वेलकम बैक टू द चैनल और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस न्यूज़ की जो यहाँ पे है कि बाइनांस बैंड इन मलेशिया गिवन 14 फोर्टीन डेज नोटिस टू शट डाउन दी ऑपरेशंस द क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ बिन सर्व विद अटिस टू स्टॉप ऑफरिंग इट्स सर्विसेज इन द कंट्री 14 डेज़ का नोटिस मिला है बाइनांस को मलेशियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको यहाँ पे ऑपरेशंस बंद करना है बाइनांस को बोला है इसके अलावा दूसरी जो न्यूज है ये भी पाँच घंटे पहले की है कि साउथ कोरियन रेगुलेटर रिपोर्ट इटली शट डाउन इलेवन क्रिप्टो एक्सचेंज जो साउथ कोरियन के जो रेगुलेटर्स हैं उनके गवर्नमेंट हैं वो बोलिए कि ग्यारह क्रिप्टो एक्सचेंज उनको बंद करना है आई एम नॉट शोर ये लोकल एक्सचेंजेस है उनके या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंजे हैं बट जो मैं एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ होगा फ्यूचर में जाके राइट right? जहां पर हर एक कंट्री चाहेगी कि वो जो एक्सचेंज है उनकी कंट्री में रजिस्टर करे या फिर वो ऑपरेशन्स बैन कर दे या फिर ऑपरेशंस वो एक्सचेंज नहीं चलना चाहिए उनकी कंट्री में राइट और अगर ये देखोगे सिमिलर न्यूज़ इनफैक्ट यूके में हुई थी सो बाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज गेट्स बैन बाय यूके रेगुलेटर एंड दिस इज अ जून न्यूज जो मैंने आपको शेयर किया था तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना और इस पर यू नो इसको सही तरीका क्या होगा आगे जाके एक्सचेंज के साथ डील करने का तो इस वीडियो में मैं आपको तीन से चार चीज़ें बताऊँगा एंड सो विच इज़ फर्स्ट थिंग खाली यही न्यूज़ है सो so बेसिकली आपको पता ही होगा कि बहुत सारी न्यूज़ मैं कवर करते कोशिश करता हूँ बट इस इस वीडियो में मैं यही न्यूज़ कवर करना चाहता हूँ जो क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट right? तो क्या हम लोग बात करें कि वट इज़ हैपनिंग विद द सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ हो क्या रहा है पॉसिबल आउटकम होने की क्या पॉसिबिलिटी है आगे जाके फ्यूचर में वॉट शुड एन इन्वेस्टर बी केयरफुल आप एज एन इन्वेस्टर आपको केयरफुल क्यों रहना है अफकोर्स आई एम श्योर सेंट्रलाइजेशन जो आप यूज करते मैं यूज़ हो मैं यूज करता हूँ चाहे वो बाइनांस हो चाहे एफ टी हो चाहे कोई और हो राइट फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ये जो रेगुलेशन हो रहे हैं राइट right? ये जो बैन हो रहे हैं एक्सचेंजेस कंट्रीज में करेक्ट इससे क्या क्रिप्टो के फ्यूचर पर कुछ फर्क पड़ेगा बुरा फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे करेक्ट एंड लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा दिस इज नॉट अ फट क्योंकि ऑब्वियसली यह फट जैसा लगा अरे ये एक्सचेंज बैन हो गया तो ये एक्सचेंज बैन हो गया तो फर्ट जैसा लग रहा है बट दिस इज़ नॉट अ फर्ट दिस इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स हम लोग जो न्यूज आ रही है जो मलेशिया से न्यूज आ रही है जो ये कोरिया से न्यूज आ रही है जो यूके से न्यूज आई थी कुछ महीनों पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स सो दैट वी नो कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज क्या है और जब आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पता होगी तो आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे बेटर राइट वी कैन बी मोर प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दिस लाइक इट इज़ सेम लाइक प्रिडिक्टिंग बिटकॉइन प्राइस हम लोग बिटकॉइन का प्राइस क्यों प्रिडिक्ट करते हैं कितना जाएगा बिकज हम लोग को लगता है कि बिटकॉइन यस बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इट्स बॉर्डरलेस इट्स ट्वेंटी वन मिलियन ओनली इथेरियम क्यों जाएगा बिकॉज देर आर सो मेनी एप्स देर आर सो मेनी सोल्यूशन बींग बिल्ट ऑन इथेरियम अडॉप्शन बढ़ रहा है तो हम लोग इथेरियम की प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं बिटकॉइन की प्राइस की प्रिडक्शन करते हैं राइट right? सिमिलरली हम लोग प्रिडिक्ट हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज का फ्यूचर क्या हो सकता है इन शॉर्ट मैं आपको अगर बताऊँ कि क्रिप्टो एक्सचेंज का फ्यूचर क्या हो सकता है मुझे जो लगता है कि हर एक कंट्री चाहेगी कि वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज उनके सिटीजन्स ट्रेड कर रहे हैं बाय कर रहे हैं वो उनके कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए राइट right? और ये ऑलरेडी यूएस स्टार्ट कर चुका है यूएस में मैं आपको आगे दिखाऊंगा सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज एक ट्वीट किया था कि बिट खाइन क्रिप्टो कांट बी बैंड सिंस दे आर डिसेंट्रलाइज बट येस क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैन बी बैंड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री इफ रेगुलेटर वॉन्ट्स टू बैन इट

और आज बिटमैक्स वहां पे नहीं है बिकॉज यूएस को पसंद नहीं आया बिटमैक्स ओके तो एनी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हो सकता है फर्स्ट एक्सचेंज के पास एक सी होता है ओके okay? उनकी एक टीम होती है उनका एक ऑफिस होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं सब उनको जो लोकल लॉज है उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा राइट right? दूसरा चीज अगर कोई एक्सचेंज उस कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है लेट से उन लोग फाइनली क्या बोलेंगे कोई भी कंट्री के रेगुलेटर क्या बोलेंगे कि ओके इफ यू वॉन्ट टू रन इन माई कंट्री देन यू हैव टू रजिस्टर इन माई कंट्री ओके नो रिसेंटली इनफैक्ट ये बाइनांस की ही न्यूज़ है अगेन uh, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको वजीर एक्स का न्यूज़ पता होगा राइट जो यहाँ पे प्रोबिंग हुई थी ईडी की तो ईडी प्रोब्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस इन बेटिंग ऐप ओके सो ये क्वाइन क्रंज ने कवर किया है कि ईडी समन्स बाइनांस ओवर बेटिंग ऐप्स एक्चेंज डिनाइस प्रोप सो बाइनांस ने बोला कि नहीं नहीं हमको कोई ईडी से कोई नोटिस नहीं आया बट न्यूज़ uh, है कि ई डी ने बाइनांस को भी नोटिस uh, दिया था वजीरज़ को भी सो एनी वे तो मुझे डेफिनेटली लगा था कि यार फाइनानस के साथ क्या हो रहा हो सकता है कल उठ के इंडिया बोले यू नो वॉट बाइनानस ऑपरेट नहीं कर सकता नॉट सेंगे ऐसा होगा बट हो सकता है और फिर आपके जो फंड हैं बाइनान्स पे हैं तो आप क्या करोगे राइट सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ऐसा कुछ हुआ तो एंड ऑफ कोर्स बाइनांस इज अ वेरी बिग एक्सचेंज बांस एट एनी कॉस्ट विल नॉट लेट द इंडिया गो इंडिया बोल बोलेगा कि नहीं हमको इंडिया में ऑपरेट तो करना है बताओ हमको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है क्या हमको रजिस्टर करना है हम लोग रजिस्टर करेंगे इंडिया में लेकिन हमको ये मार्केट छोड़नी नहीं है ऑफ कोर्स बाइनांस इज अ बिग कम कंट्री एंड दे कैन डू दैट इनफैक्ट जब ये रेगुलेटर्स यूके का न्यूज आया था यूके कस्टमर्स यूके रेगुलेटर्स ने बाइनेंस को बोला था कि यू नो यू आर बैंड, यूके ऑलरेडी एक कंपनी सेटअप कर रही है सेपरेट कंपनी यूके में जो यूके में ऑपरेट हो गए यू नो सो फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं बाइनेंस के लिए बाइना, यूएस कस्टमर्स के लिए अलग से binance.usa आपको पता था ये binance.us बाकी कंट्रीज के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए binance.com है जबकि बाइनांस यूएस के लिए बाइनास डॉट मतलब अलग से एंटिटी है राइट right? एंड इनका बाइनांस का ये प्लान है कि अब लोग यूके के लिए भी अलग से एंटिटी बना रहे हैं ओके सिमिलरली अगर एफटीएक्स का देखो तो एफ टी एक्स डॉट यूएस यूएस कस्टमर्स के लिए अलग से है एफ टी एक्स और बाकी दूसरों के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एफटीएक्स डॉट कॉम इनफैक्ट अगर आप इनका ये देखोगे उनके सी ओ का ट्वीट देखोगे लेट मी सी इफ आई कैन गेट इट Uh, uh, ये वाला आई थिंक uh, ये वाला ट्वीट राइट right? ये देखो ब्रांड्स वेयर गेटिंग विथ कन्फ्यूजिंग सो वी कंसोलीटेडीएक्स डॉट कॉम इंटरनेशनल द इंटरनेशनल एफ टी एक्स एक्सचेंज एफटीएक्स डॉट यूएस द यूएस एफटीएक्स एक्सचेंज मतलब यूएस के लिए अलग से एंटिटी है हो सकता है इंडिया बोले कि यू नो वॉट अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो आपको फाइनेंस को इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा और इंडिया की अलग से एंटिटी है पॉसिबिलिटीज है जहां पे कंट्रीज बोलेगी कि आप बिना रजिस्टर किए ऑपरेट नहीं कर सकते ना अब मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ कि लेट से कल कोई को न्यूज आती है राइट right, कि बैन हो गया तो आप आई एम नॉट श्योर कि आपके पास कितना फंड है राइट right, वो एक्सचेंज में काफी लोग बोलेंगे उसका सोल्यूशन क्या है ओके okay, हम लोग वीपीएन यूज करेंगे ये वीपीएन इज ए गुड सर्विस लेट से अगर इंडिया डॉट कॉम अगर फाइनेंस डॉट कॉम अगर इंडिया में नहीं खुलता है तो मे बी आप वीपीएन यूज कर लोगे किसी और कंट्री का इससे लोकेशन चेंज हो जाएगा तो आप एक्सेस कर पाओगे बट लेट्स अगर कस्टमर बोलता है कि अगर एक्सचेंज बोलता है नहीं नहीं हमको केवासी चाहिए आपको राइट right? तब क्या करोगे तब तो अगर आपका के तो ऑब्वियसली इंडियन होगा राइट right? तब आपको एक्सेस नहीं मिलेगा सो आई थिंक वीपीएन इज अ सोल्यूशन बट वीपीएन इज नॉट अ हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन इनकेस कस्टमर को के वाई सी भी चाहिए तब ये प्रॉब्लम है होगी राइट right? Now, अब इसका सोल्यूशन क्या है तो सबसे पहली बात यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि आपके जो भी एक्सचेंजेस हैं राइट आप मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ बाइनांस यूज नहीं कर रहे हैं आप एफ भी यूज कर रहे हैं चलो बाइनांस के साथ बैन हो रहा है तो एटलीस्ट एफ टी एक्स है एफटीएक्स के पास फंड है आपके पास या फिर क्रिप्टो डॉट कॉम है या फिर कॉइन डी सी एक्स है या फिर वजीर एक्स है कहने का मतलब आप मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज कर रहे हो राइट right? दूसरा चीज आप बहुत ज्यादा फंड किसी एक्सचेंज पे नहीं रख रहे हो किसी एक एक्सचेंज पे नहीं रख रहे हो लेट से अगर बाइनांस से न्यूज आती है तो ऐसा नहीं कि बाइनांस बैन हो रहा तो आपका पूरा पूरा फंड बाइनांस पे पड़ा था अब क्या होगा तीसरा यहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वॉलेट्स या हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जो आपको यूज करना चाहिए जिसके मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया है कि कैसे आप हार्डवेयर वॉलेट या फिर मोबाइल वॉलेट्स या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स आप यूज करते हो बाकी इन सब चीजों से इन सब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बैन से क्वाइन मार्केट पे बिटकॉइन के प्राइस पे इथेरियम के प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो हैं और इनका इन्वेशंस बढ़ते ही जा रहा है लोग इनफैक्ट डीफाई यूज़ करेंगे यू नो डीफाई आप देख ही रहो डी फाई में जहाँ पे आपके पास प्राइवेट कीज होती है और डीफाई फाई एन का चलन बढ़ेगा ही लेकिन क्रिप्टो कही एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे और मैंने आज किया था यहाँ पे कि 2021 2022 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशंस और क्रिप्टो रेगुलेशंस का मतलब एक ही चीज़ रेगुलेट होगी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ही रेगुलेट होंगे यहाँ पे ओके क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस को केवा करनी पड़ेगी उनको लॉ फॉलो करने पड़ेंगे उनको ये सब करना पड़ेगा राइट इससे क्या होगा उनके रेगुलेटर्स को फ़ायदा होगा उनको गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा सो बेसिकली ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अब मलेशिया क्यों बोल रहा है कि आपको शट डाउन करना है क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट को मलेशियन रेगुलेटर्स को कट चाहिए उनको चाहिए कि बस वट आर वी गेटिंग यू आर ऑपरेटिंग आई डोंट नो वे यू ऑपरेटिंग फ्रॉम हम लोग को क्या हम लोग का क्या फ़ायदा है राइट दिस इज वाई रेगुलेटर्स वॉन्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू रजिस्टर इन देयर ओन कंट्री यूएस को कुछ प्रॉब्लम नहीं था बाइनास से लेकिन यूएस चाहता है कि हमारी कंट्री में आप रजिस्टर करो और अलग साइनिटी करो यूएस को एफटीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यूएस चाहता है कि हमारी कंट्री में आप रजिस्टर करो तब आप ऑपरेट करो एंड आई थिंक सिमिलर थिंग बाकी के भी कंट्रीज आने वाले हैं और जैसे मैंने बताया कि रेगुलेशंस 2001-2022 के होंगे बहुत सारे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएस ने ऑलरेडी बोला है कि द न्यू क्रिप्टो बिल इन यू कांग्रेस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव येट सो ये ऑगस्ट टू टू की न्यूज़ है ये जो लॉ मेकर है डॉन uh, बेयर इन्होंने एक बिल लिखा हुआ है एक ड्राफ्ट बनाया है द यू एस लॉ मेकर हु प्रीवियसली शोड लिटिल इंटरेस्ट इन क्रिप्टो हैज़ इंट्रोड्यूस वॉट मे बी द मोस्ट स्वीपिंग लेजिस्लेशन येट टू रेगुलेट द मार्केट सो अफकोर्स यू एस में भी एक्चुअली प्रॉपर लॉ नहीं है बट जो बॉडी है वो संभालती है राइट right? बट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट invest कर सकते हैं बट प्रॉपर रेगुलेशन वहां पे भी नहीं है बट वो लोग अब रेगुलेशन ड्रॉ करने के करीब हैं एंड आई थिंक 2021 2022 में बहुत सारे रेगुलेशन आएंगे और इसी टाइम पे ऐसे आपको बहुत सारी न्यूज सुनने को मिलेगी कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज बैन हो रहा है कंट्री में ये क्रिप्टो एक्सचेंज ये बैन हो रहा है कंट्री में तो अब दिक्कत आ सकती है अगर आपने उसी एक्सचेंज पे आपने पूरा फंड रखा हुआ है मुझे अभी भी याद है कुछ महीनों पहले पिछले साल ओके एक्स इन्होंने आई थिंक कुछ चौदह पंद्रह दिन के लिए इन्होंने विड्रॉल्स फ्रीज कर दिया था आई एम नॉट चो कुछ रेगुलेशंस का ही इश्यू था इन लोग का कम कंट्री का आई थिंक चाइना में थे कि कहाँ पर थे बट पाँच हफ्ते हप, तक ये देखो पाँच हफ्ते तक लोगों को अपना फंड विड्रॉ नहीं कर पाए थे राइट सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सचेंजेस इनसे आप लर्निंग लो आप इनसे सीखो ये जो न्यूज़ आ रहे हैं यू नो आई एम नॉट श्योर कि मलेशियन जो कस्टमर्स है वो क्या करेंगे अगर बाइनास बैन हो गया तो आई एम श्योर वो लोग विड्रॉ कर रहे होंगे या फिर लोकल एक्सचेंजेस में डाल देंगे या फिर हार्डवेयर वॉलेट में डाल देंगे या फिर मोबाइल वॉलेट में डाल देंगे राइट सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर कोई कंट्री बैन करना चाहती है तो वो हो सकता है और इसीलिए आपको प्रपेयर रखना है इसीलिए आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज करना है एक ही फंड पे सारा नहीं रखना है फंड और दूसरा मोबाइल वॉलेट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वॉलेट भी यूज़ करना है राइट right? इसका मैंने हार्डवेयरली यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बना गया बना दिया है आप देख सकते हो और दूसरा चीज़ ये कि रेगुलेशंस आ रहा है 2001 2001-2022 is going to be the इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ रेगुलेशंस एंड can ओनली थिंग दैट दे कैन रेगुलेट मोस्ट इज द क्रिप्टो एक्सचेंज लेट मी नो यू थिंक आपको क्या लगता है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो कंट्रीज अलाउ करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या फिर उनको बोलेंगे कि आप हमारी कंट्रीज़ में रजिस्टर करो तब आपको ऑपरेट करने को मिलेगा लाइक व्यू नो वट शो थॉट ऑन दैट मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड आल सी इन द नेक्स्ट वीडियो